दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्नैपचैट का पुराना अकाउंट वापस कैसे लाते हैं। दोस्तों आपने बहुत समय पहले अकाउंट बनाया था और अब उस अकाउंट का आपको पासवर्ड याद नहीं है, आपको ये भी याद नहीं है कि आपने किस नंबर से अकाउंट बनाया था, आपको ये भी याद नहीं है कि आपने किस मेल से अकाउंट बनाया था, तो भी आप उस अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, उस अकाउंट को आप आसानी से वापस ला सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रोसेस पे ध्यान देना होगा, आपका जो है अकाउंट वापस आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करके दिखाते हैं। ये मेरा अकाउंट है और यहाँ से मैं इस अकाउंट को पहले लॉग आउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ओल्ड अकाउंट को वापस लाना है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का पहले आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाना है एंड होम स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन शो करेगा, आइकन शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जस्ट नीचे आपको देखेगा सबसे लास्ट में लॉग आउट का ऑप्शन, लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसे जो है लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस अकाउंट को यहाँ से लॉग आउट कर देना है। अब आपका मेन प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है और अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे रिमूव कर देता हूँ अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक न्यू इंटरफेस आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको शो करेगा दोस्तों यूजर नेम और मेल का ऑप्शन और उसके नीचे आपको शो करेगा यूज फोन नंबर। आपने दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर नेम डालना है, यूजर नेम आपको याद नहीं है और उसके बाद आपको मेल का ऑप्शन शो करेगा। आपको मेल याद नहीं कि आपने किस मेल से अकाउंट बनाया था तो आपको दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा यूज फ़ोन नंबर का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे दोस्तों फ़ोन नंबर को यूज करके यहाँ पे अकाउंट को वापस ला सकते हैं। लेकिन आपको फ़ोन नंबर भी याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है आपने कितना सिम यूज किया है अभी तक, वो आपको टोटल यहाँ पे डाल के चेक करना है। तो चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यूज फ़ोन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है नंबर डाल के चेक करना है कि आपने किस नंबर से इस पे अकाउंट बनाया होगा। अगर आपको 100% श्योर नहीं है कि इस नंबर से अकाउंट बनाए थे तो आपको चेक करना है धीमे धीमे करके। तो मैं यहाँ पे एक नंबर डालता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं जो हूँ यहाँ पे चेक करूँगा कि इस नंबर से मैंने वो अकाउंट बनाया था या नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड डालने को बोला है, तो पासवर्ड तो मुझे याद नहीं है। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे नंबर डालने के बाद फॉरगेट योर पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। नंबर डालने के बाद आपको फॉरगेट योर पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे चूज करना है मेल पे, आप यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको जो है फ़ोन पे क्लिक कर देना है। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे शो करेगा फाइंड योर स्नैपचैट अकाउंट। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक OTP आएगा, तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा और आपको सेम प्रोसेस इसी तरीके से फॉलो करना है एंड आगे मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊँगा क्योंकि आपको स्टेप बाई स्टेप समझना है कि क्या क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको कोड आएगा, कोड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इस नंबर से आपका जो है पहले से अकाउंट बना हुआ है, इस बात को आपको समझना है। अगर आपको OTP इस तरीके से नहीं आता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फिर से नंबर डाल के चेक करना है कि वो अकाउंट यहाँ पे है या नहीं है। इतना हो जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है अकाउंट पहले से बना हुआ है। अब उस अकाउंट पर आपको पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड आपको क्या लगाना है वो आपको यहाँ पर डाल देंगे अपने मर्ज़ी से। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एक क्रिएट कर लेता हूँ और पासवर्ड मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे उसी पासवर्ड को यहाँ पे रिपीट कर देना है। रिपीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही ये जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब आपको यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है, अब यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर वो डाल देना है और फ़ोन नंबर डालने के बाद वो पासवर्ड आपने लगाया है वो यहाँ पे आप डाल के लॉगिन कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ें बता देता हूँ, अगर आपने मेल से बनाया होगा अकाउंट तो आपको उसी तरीके से सर्च करना है यूज मेल और यहाँ पे यूजर नेम इंटेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो यूज मेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको मेल डालने को बोलेगा, तो आप यहाँ पे जो है मेल डाल देंगे। मेल डाल के इसी तरीके से आपको चेक करना है जैसे मैंने फॉलो प्रोसेस बताया था, आपको यहाँ पे मेल डालना है, उसके बाद फॉरगेट योर पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे फिर आपको फाइंड योर अकाउंट के ऑप्शन में सर्च करने को बोलेगा कि आप अकाउंट को सर्च करिए, तो वहाँ पे आप मेल डालेंगे। अगर आपके मेल पे OTP आ जाएगा तो आप जान जाएंगे कि आपका जो है अकाउंट बना हुआ है, वहाँ पे आप पासवर्ड डाल के और फिर यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल दिया हूँ और वो पासवर्ड मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ कि ये लॉगिन होता है या नहीं होता है और कौन सा अकाउंट जो है यहाँ पे लॉगिन होता है। तो मैं यहाँ पे वो पासवर्ड डाल दिया हूँ एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके देखता हूँ कि यहाँ पे जो है कौन सा अकाउंट इस नंबर से बना हुआ है। तो लॉगिन के ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया है और थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो है अकाउंट बना हुआ है, बना हुआ तो है लेकिन कौन सा अकाउंट बना हुआ है ये यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे कन्फर्म कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यहाँ पे हम कंटिन्यू कन्फर्म कर देते हैं एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा अकाउंट है। यहाँ पे प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मेरा जो है यही पुराना वाला अकाउंट है जिसे मैं लॉगिन करना चाहता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से उस अकाउंट को यहाँ पे खोज लिया है। और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक बार नंबर डालने से नहीं आता है तो आप दूसरा सिम वाला नंबर डालेंगे, जितना भी आप यूज करते हैं सिम को वो सब धीमे धीमे डाल डाल के इसी तरीके से प्रोसेस से चेक करेंगे तो आपका जो है अकाउंट मिल जाएगा पुराना वाला। मेरा जो अकाउंट है वो मिल चुका है और आपका ये प्रोसेस समझ में आएगा और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।